इंडिया में किसान बंधु के लिए जितना योजना है उसका अंदर कोई भी पैसा लॉस ना हो के सीधी किसान बंधु का पास डायरेक्टली पैसा चला जाता है, वो है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। जिस योजना का अंदर में सीधी किसान का पास में पैसा जाता है, सालाना 6,003 इंस्टॉलमेंट में दिया जाता है। 2018-19 का नवंबर महीना में जब प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना सबसे पहले स्टार्ट हुआ था, उस समय 3 करोड़ किसान बंधु को डायरेक्टली पैसा दिया गया था। आज देखेंगे 2022 का अक्टूबर नवंबर महीना में जब 12 किस्ती दिया गया है, इस समय 12 करोड़ किसान बंधु को मिला है। 3 करोड़ से लेके 12 करोड़, तो मतलब ही हर क्वार्टर में, हर 3 महीना में कुछ ना कुछ किसान बंधु को इसमें लाभ के लिए जोड़ा जाता है और सुविधा मिलते रहता है। आपको या आपका कोई रिश्तेदार किसान बंधु को इस योजना का सुविधा नहीं मिलता है तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लिए जितना किसान बंधु अप्लाई किए हैं उसमें दिखेंगे बिहार का जितना अप्लाई किए हैं उस 95% किसान बंधु को इसका सुविधा मिल जाता है। सबसे कम का स्तर में देखेंगे तो चंडीगढ़ में जितना अप्लाई किए हैं उसमें से 1% किसान बंधु को इसका सुविधा मिलता है। आप देखना चाहते हैं कि कौन सा स्टेट्स में कितना फीसदी किसान बंधु को सुविधा मिलता है, तो इसके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है, उसमें से जाके सीधे देख सकते हैं। या आप उसको देखने में दिक्कत हो रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में आपका स्टेट का नाम लिखेंगे तो हम आपको बता सकते हैं स्टेट का कितना फीसदी किसान बंधु को ये मिलता है। आज का वीडियो में डिटेल्स में बात करेंगे किनको किनको ये योजना का सुविधा नहीं मिल सकता है, आप अप्लाई किए हैं और आपको ये सुविधा नहीं मिल रहे हैं तो कैसे इसको मिल सकता है, और आप अप्लाई किए ही नहीं हैं तो आपका पास में एंड्रॉयड फ़ोन आपका पास में है तो इस फ़ोन से कैसे आवेदन करेंगे, स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। आप यदि इंटरेस्टेड है तो अंत तक कृपया वीडियो को देखते रहिए। किनको किनको इस योजना का सुविधा नहीं मिलेगा जी, जिला स्तर या उसका ऊपर लेवल का निर्वाचित जनप्रतिनिधि है और सरकारी सुविधा मिलता है, आपको इसको सुविधा नहीं मिलेगा। आप इस सरकारी कोई नौकरी करते हैं या सर्विस करते हैं तो ये सुविधा आपको नहीं मिलेगा। आपको पेंशन मिलता है और 10,000 रुपया से ऊपर पेंशन मिलता है तो आपको इस योजना का सुविधा नहीं मिलेगा। आप टैक्स पे करते हैं तो आपको ये सुविधा नहीं मिलेगा। यदि आप अप्लाई किए हैं और आपको ये सुविधा नहीं मिल रहे हैं तो स्क्रीन का ऊपर नज़र रखिए, देखिए आप कैसे करेंगे उसको मैं आपको बता रहा हूँ। गूगल क्रोम में आके मैं वहाँ पे pmkisan.gov.in टाइप किया हूँ, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद इस तरह आपको दिखेगा, वहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ऐसे दिखेगा। यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो एक जगह पे मिलेगा बेनिफिशियरी स्टेटस, वहाँ पे क्लिक करेंगे तो एक जगह पे आपको आधार कार्ड पुट करना होगा जिसका चेक करना चाहते हैं। उसके बाद कैप्चा दे के नीचे सर्च करेंगे तो आपका यहाँ पे आ जाएगा, डिस्प्ले हो जाएगा कि क्या स्टेटस है, आपका क्या प्रॉब्लम है और आपका क्या एक्शन लेने का जरूरत है, यहां आपको बता देगा। ये इंग्लिश में रहता है, इसको आपको पढ़ के करना होगा या किसी को पढ़ाना होगा। आगे चलता हूं कैसे आप नया अप्लाई करना चाहते हैं तो आप कैसे अप्लाई करेंगे, आपका फ़ोन से ही कैसे अप्लाई करेंगे उसका बारे में बात करेंगे। यदि आपको करने में दिक्कत हो रहे हैं तो किसी भी CSC सेंटर में जाके आपको डॉक्यूमेंट्स लेके जाना होगा। इस योजना में अप्लाई करने के लिए आपका आधार कार्ड का स्कैन कॉपी चाहिए जिसका PDF का साइज 50 KB से नीचे होगा, और आपका ज़मीन का कागजात का अंदर खतियान का कागज लगेगा जो PDF आपका 100 KB से नीचे होगा। ये दो चीज़ मौजूद है तो अपना फ़ोन से आसानी से आप कर सकते हैं। साथ साथ में इसका साथ में आपको ज़रूरत होगा रेशन कार्ड का नंबर। नया अप्लाई करने के लिए भी pmkisan.gov.in टाइप करेंगे या डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसको यूज करेंगे, उसको क्लिक करेंगे तो इस तरह एक ओपन होगा। वहाँ पे नीचे स्क्रॉल करके आएंगे तो एक जगह पे मिलेगा फार्मर रजिस्ट्रेशन, न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन, उसको क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह खुलेगा, और इस तरह खुलने के बाद रूरल फार्मर रजिस्ट्रेशन या अर्बन फार्मर रजिस्ट्रेशन आएगा। जनरली ज़्यादातर लोगों का रूरल फार्मर रजिस्ट्रेशन होगा। उसके बाद आधार कार्ड का नंबर वहाँ पर टाइप करना होगा, आधार कार्ड का साथ जो फोन नंबर कनेक्ट है उसको टाइप करना होगा। टाइप करने के बाद स्टेट का नाम आएगा,
ड्रॉप डाउन से स्टेट्स का नाम सिलेक्ट करना होगा, उसके बाद कैप्चा देके इसको सर्च करना पड़ेगा। सर्च करने से नया एक ये ओपन होगा, वहाँ पे ओटीपी आधार ओटीपी आएगा फोन में, उस नंबर को वहाँ पे टाइप करना होगा और वेरीफाई आधार में टाइप करना होगा। वेरीफाई आधार का आगे चलेंगे तो आपका डिस्ट्रिक्ट का नाम आएगा, डिस्ट्रिक्ट का नाम ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट करना होगा। जैसे आएंगे तो वहाँ पे आपका ब्लॉक का नाम आएगा, ब्लॉक का नाम का बाद आपका विलेज का नाम आएगा। ड्रॉप डाउन से विलेज का नाम सिलेक्ट कर लेना होगा। उसके बाद में जैसे सिलेक्ट करेंगे कैटेगरी आएगा, कौन सा कैटेगरी, एससी एसटी जनरल। उसके बाद में आएगा आपका किस टाइप का फार्मर है, एक से दो हेक्टर का है तो स्मॉल फार्मर, छोटा है तो उसका आदर्श होगा। लैंड रजिस्ट्रेशन आईडी खतियान से मिलेगा, वो देना पड़ेगा। उसके बाद रेशन कार्ड का नंबर वहाँ पर टाइप करना होगा। नीचे जो ऐड का पॉइंट है वहाँ पे जाके जमीन का डिटेल्स देना होगा, जहाँ पे खाता नंबर, खसड़ा नंबर और जमीन का परिमाण वहाँ पे लिखना होगा। ये सारी खतियान में आपको डिटेल्स मिल जाएगा। एरिया आपका कितना हो रहे हैं टोटल आप सिलेक्ट करेंगे तो वहाँ पे आएगा ट्रांसफ़र कब हुआ था और ये ट्रांसफ़र करने का पीछे रीजन क्या है। तो काफ़ी सारे रीजन हैं, जो रीजन आपका है वो वहाँ पे टाइप करिए। उसके बाद जिनका पहले ज़मीन का था उसका आधार का नंबर वहाँ पे देना होगा। जैसे ही करेंगे तो वहाँ पे चूज फाइल आएगा, चूज फाइल में आपका आधार कार्ड का स्कैन कॉपी जो 50 कॉपी से नीचे होगा और खतियान का जो स्कैन कॉपी है उसका साइज 100 केबी का नीचे होगा, उसको अपलोड करने के बाद उसको सबमिट कर देंगे तो वो सबमिट हो जाएगा। आपका सबमिट हुआ है कि नहीं इसको कंफर्म करने के लिए आपको फिर से आपका आधार कार्ड नंबर ऐड करने का कोशिश करना होगा। वहाँ पे बोल देगा कि आधार कार्ड ऑलरेडी रजिस्टर, मतलब आपका ऐड हो गया। अभी तक आप अप्लाई नहीं किए हैं तो आप यहाँ पे अप्लाई कर लीजिए। देखिएगा उसके बाद में भी कुछ आपको दिक्कत होता है, नहीं कर पाते हैं, तो कमेंट बॉक्स में आप लिखते रहिए, हम आपको मदद करते रहेंगे। इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ जानकारी दे पाया हूँ तो प्लीज़ इसको लाइक करें। आप यदि चैनल में नया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू पूरा वीडियो देखने के लिए। जय किसान।